ये पेट भी ना फ्रेंड्स बड़ी पापी चीज है, हर 2-3 घंटे बाद इसमें भूख लगाती है। तो आज इस भूख को शांत करने के लिए हम बना रहे हैं ग्रिल्ड पटैटोज। हमने छोटे वाले बेबी पटैटोज लिए हैं, पैन में पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लिया है, बाहर निकाल कर ठंडा कर लीजिए। अब स्क्यूअर्स में आलू, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लगाकर स्क्यूअर तैयार कर लेंगे। इसी ढंग से हम सारे स्क्यूअर्स बना लेंगे। आजकल बेबी पोटैटोज का मौसम है, तो इस मौसम के जाने से पहले इसको ज़रूर बना लीजिएगा। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता ही है, अगर आप इसे पार्टी में भी रखेंगे ना तो ये पार्टी की भी जान हो जाएगा। इन बेबी पोटैटोज की खास बात है कि इनका हमें छिलका भी नहीं उतारना पड़ता। छिलके के साथ ही ये बेबी पोटैटोज बहुत डिलीशियस लगते हैं। पैन में डालेंगे 3-4 चम्मच दही, मिर्ची, हल्दी, पेपर, नमक और चाट मसाला। अच्छे से इन्हें मिक्स कर सारे स्क्यूअर्स पे लगा देंगे। इन सारे स्क्यूअर्स को इसमें कोट करके हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। दही और स्पाइसेस में कोटेड ये आलू बहुत ही डिलीशियस बन जाते हैं। हमने सारे पोटैटो स्क्यूअर्स को दही में कोट कर लिया है। आप इनको मैरिनेट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बस 10-15 मिनट में ही ये बहुत अच्छे मैरिनेट हो जाते हैं। ग्रिलन में डालिए ऑयल और उसके ऊपर रख दीजिए सारे बेबी पोटैटोज और इनको उल्टा पुल्टा कर अच्छे से सेक लीजिए। हमारे बेबी पोटैटोज एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। वो रख दीजिए इन पर चाट मसाला एंड जस्ट इन्जॉय।